हेलो, आप सबका स्वागत है डेजी की लाइफ में। देखिए, आज मेरी भाभी ना मेरे लिए सूट ऑर्डर की है। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोग को कैसा लगा। अब मैं जाती हूँ भगवान जी की आरती करने। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम् नमामि। अब मेरी आरती हो गई है। मैं मशरूम की सब्जी बनाने के लिए जा रही हूँ। देखिए कैसे हम बनाती हूँ नॉर्मल मसाले से। इसके लिए अब 2 पैकेट में मशरूम ली, उसको अच्छी से 3-4 पानी से धो लेती हूँ। अब मैं इसको हल्दी पानी में धो देती हूँ, जो इसमें कीटाणु होगा नष्ट हो जाएगा। मशरूम बहुत ही फ्रेश है, बहुत ही अच्छा है, सीजन में खाना चाहिए, हेल्थफुल है। मैं कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें तेल डाल दी, मशरूम को 2 फांक करके फ्राई कर लेती हूँ। उसमें थोड़ा सा नमक डाल दी, इसलिए कि तेज़ी से फ्राई हो जाएगा। मशरूम फ्राई हो चुका है। मशरूम को निकाल के मैं अब इधर मसाला तैयार कर लेती हूँ। तेल कढ़ाई में तेल दी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, मिर्च, तेजपात, जीरा का फ़ोरन डाल दी। फ़ोरन डालने के बाद प्याज अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। प्याज फ्राई होने के बाद उसमें मैं हरी मिर्च भी 5-6 डाल दी। अच्छी तरह से मिला के इसको 2-3 मिनट के लिए धीमी आंच पे ढक के रख देती हूँ। अब मैं मसाले के लिए धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, लहसुन पेस्ट, अदरक, जीरा का पेस्ट मैं डाल देती हूँ। स्वाद अनुसार नमक डाल दें। इसको चला के 2-3 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ। धीमी आंच पे मसाला जब साइड से तेल छोड़ने लगेगा, मसाले में मशरूम डाल दी, अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। मैं मशरूम को अच्छी तरह से फ्राई कर ली मसाले के साथ। अब कस्तूरी मेथी डाल देती हूँ, गरम मसाला डाल देती हूँ और पानी डाल के इसको अपने अंदाज से पानी दीजिए और इसको चला के ढक देती हूँ। मशरूम की सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है। मैं धनिया डाल देती हूँ। अब चलते हैं हम लोग खाना खाने।
आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।